उसका ये ग्रेवी है, बन रही है अभी। और यहाँ पर मच्छी है जो सालन में डालनी है, जो सर है और उसका चेपटी है। फ्राई के लिए इधर बोटी निकाली हुई है अलग से। और हम उसके अंदर कोतम्बीर डाल रहे हैं इसके अंदर फ्लेवर आने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको थोड़ा तेल चुटना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये पकना बाकी है क्योंकि जो मच्छी का सर जो रहता है ये काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं अभी इसमें कोतम्बीर गिर गया है और कितना अच्छा कलर आया है हमारी फिश करी को। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमें फिश बहुत पसंद है खाने के लिए और बनाने के लिए भी बहुत शौक है। तो देखिए अब किस तरीके से हमने मसाला लगाया है इसे। अब इसको हम थोड़ा 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, उसको अच्छी तरह से मसाला लगेगा, उसके बाद हम फिर इसको फ्राई करने के लिए लेंगे। तो अब हम ये मसाला फिर से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी उसमें नमक डाला है। हमने ये जो फिश जो है बनाना घर से सीखा फ़ोन कर करके हमारे खाला वालों को, समझे। तो हमारी जो फेमिंदा खाला गुलशन खाला ये बहुत मास्टर है फिश बनाने में, हमने उन्हीं से सीखा है। तो अब हम बना लेते हैं वैसे खाना। जैसे देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला लगा इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिश करी जो है ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इसकी तरी भी जो है वो आ चुकी है। वो फिश अब रेडी है, अब हमें इसे फ्राई करने के लिए लेंगे। और सालन जो है अब हमने बन करके रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम कोकनी सालन हो चुका है ये। हम फ्राई के लिए दो बार फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, इतना जो है बाकी रहा हुआ हम इसे बाद में फ्राई करेंगे। हाफ फ्राई हो चुकी है हमारा फिश, थोड़ी देर में फ्राई हो जाएगी। जो है फिश फ्राई पहला राउंड हो चुका है। खाने के लिए बैठ रहे हैं तो चलो चलते हैं।